भर झालाय आणि आपण शांतपण केलंय आता या पवित्र वातावरणात आणि या पवित्र क्षणी. आपल्याकडे आज आपण आमंत्रित केले पंडित सुवेम मिश्राजी. ते रुद्रवीणा वादन करतात आणि आज आपण रुद्रवीणा उपवीणांसाठी त्यांना आमंत्रित केले. 12 वर्षाच्या वयेपासून त्यांनी ही साधना सुरू केलेली आहे. तबला, सितार, सुरबहार आणि आता रुद्रवीणा ह्या सगळ्यांमध्ये, ह्या सगळ्या वाद्यांमध्ये ते पारंगत आहेत. आणि आपल्या अनामप्रेम मधलीच 8 मुलं त्यांच्याकडे सध्या शिष्य म्हणून आहेत, त्यांच्याकडनं प्रशिक्षण घेत आहेत. तर आजच्या या पवित्र क्षणी मी त्यांना आमंत्रित करते आणि त्यांना थोडस रुद्रवीणेबद्दल पण सांगायला सांगते. आप अगर कुछ बता सकते हैं थोड़ा अभी रुद्रवीणे के बारे में भी, और आपकी भी कुछ साधना वगैरह जो भी आपने की है थोड़ा बहुत लोगों को पता चले. आणि बाय प्रोफेशन ते कस्टम्स मध्ये आहेत, कमिश्नर, कस्टम्स कमिश्नर आहेत, बट ही इज मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स म्युझिक. आणि ते स्वतः इवन रुद्रवीणा बनवण्यात पण त्यांना बरंच ज्ञान आहे. तर ते सांगतील आता स्वतःबद्दल आणि रुद्रवीणेबद्दल थोडीशी माहिती देतील आणि आज त्यांच्या रुद्रवीणेचा संगीताचा पण आस्वाद घेऊया. नमस्कार. और मैं थोड़ा सा म्यूजिक संगीत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. जो हमारा संगीत है दो तरह के संगीत है. एक तो जिसे हम लोग कहते थे देसी, देसी यानी फोक म्यूजिक, जो आम आदमी को पसंद आते हैं. सिंपल डेफिनेशन, जो आम आदमी को पसंद आएगा वो देसी म्यूजिक है. और एक होता है मार्गीय संगीत. मार्गीय संगीत वो है जो देवी देवताओं को पसंद आता है. तो आपका दोनों का ऑडियंस अलग है, दोनों के टेस्ट अलग है. तो आप जिसके लिए बजा रहे हैं, गा रहे हैं, उसका ऑडियंस अलग है देसी में और मार्गी में. तो जो हम लोग का जो संगीत, शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, वो बेसिकली हमारा है मार्गीय संगीत. देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत है. तो इसीलिए आप ये, इसको आप मंदिरों का संगीत कह सकते हो. ये वो संगीत है जिसको हम अखाड़ों में गाना बजाना चाहिए, मंदिरों में गाना, मंदिरों में नहीं गाया जाता है. ये मुझे बहुत दुख होता है आजकल कि ये एक परंपरा है जो मंदिरों से बिल्कुल लुप्त हो गई है. ये मार्गीय संगीत तो मंदिर में होता ही नहीं है, तो बहुत अजीब सी बात है. और मुझे लगता है कि फोक म्यूजिक ज्यादा होता है मंदिरों में. मना नहीं कर रहा हूं कि उसके लिए, लेकिन एक शास्त्रोक्त जो एक विधा दी गई है जो मार्गीय संगीत की है कि इस तरह से शुरू करना है, इस तरह से राग को लेकर के चलना है, इस तरह से छंद होने चाहिए, इस तरह से प्रबंध होने चाहिए, और इस तरह से पद होने चाहिए या इस तरह से आलप्ति होनी चाहिए, वो सब चीजें मंदिरों से अब खत्म हो गई है. अब क्यों हो गई है ये आप लोग को, हम सबको सोचना पड़ेगा. और इसको कैसे वापस लाए मंदिर में और अपनी साधना में लाए, क्योंकि ये साधना का संगीत है. जैसे मैंने कहा कि हम लोग का मार्ग जो है वो देवों का मार्ग है, वो देवों की तरफ हमको, हम अग्रसर है. तो इस मार्ग में जो संगीत है वो शास्त्रीय, जिसे शास्त्रीय यानी शास्त्रोक्त संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत है, जिसको शास्त्रों में लिखा गया है, जिसके बारे में बताया गया है, उसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत. और वो है राग, राग संगीत बेस्ड है. तो किस तरह से साधना में लाना चाहिए उसको, ये एक बहुत जरूरी चीज है. ये एक परंपरा थी, जैसे आलप्ति की साधना है, नाद योग जिसे कहते हैं. आप कोई ग्रंथ शास्त्र का देखेंगे तो उसमें नाद से, सबसे पहले तो शरीर की संरचना, पहले तो ब्रह्मांड की संरचना कैसी हुई है वो उसमें होगा,
फिर बताएंगे शरीर की संरचना कैसे हुई है, फिर भी बताएंगे, फिर बताएंगे कि नाद क्या है और फिर शरीर का नाद से क्या संबंध है। उसके बाद फिर आएगा कि वो किस नाद किस तरह से उत्पन्न होता है, सुरों से और श्रुतियों से, और फिर उससे फिर कैसे उत्पन्न होता है राग। तो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको, आप धीरे धीरे अगर आप मार्गीय संगीत की ओर प्रवृत्त होंगे तो आप धीरे धीरे आप अपने अंतरंग में जाने की कोशिश करेंगे, और अंतरंग में जाएंगे तो ब्रह्मांड से भी आप एक रिश्ता जोड़ेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कहीं से कनेक्शन हुआ है मेरा ब्रह्मांड से। तो इस संगीत को जो मैंने, मेरी साधना है वो मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, उन बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो उनको धीरे धीरे जब साधना करते रहेंगे तो उनको पता चलेगा अचानक कि हाँ ये हो रहा है। तो मैं मेरा मकसद यही है कि कुछ और लोगों को मैं सिखाऊं, फिर वो और लोगों को सिखाएं, फिर वो भी और लोगों को सिखाएं, तो ऐसे में एक बहुत एक जो है जो नाद योग की साधना है ये आगे बढ़े और मंदिरों में वापस जाए। मंदिरों में से तो लुप्त हो गई एकदम, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी है और मेरे ख्याल से आप लोग भी प्रयास करते रहेंगे, जो साधना कर रहे हैं करते रहेंगे। तो ये नाद योग की साधना है, इसमें प्राणायाम भी है, इसमें कुंडली योग भी है, और ये सीधे नाद और प्राणायाम दोनों को मिलाकर के ये है योग इस, और ये मार्गीय संगीत है। तो इसके अलावा मैं और ज्यादा तो भी कह नहीं पाऊंगा। Thank you.